प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चल रही चर्चा के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को जोधपुर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र प्रातः 10:55 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम 4:30 राज्यपाल जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कॉमारकॉन 2023 का शुभारंभ करेंगे। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें बाल स्वास्थ्य बाल रोगों पर नवीन शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 700 से अधिक संभागी गण शिरकत करेंगे। देश विदेश के अनेक संस्थाओं से शोध कार्य के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में हो रही अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत सहित विभिन्न देशों से विषय विशेषज्ञ तथा प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। 28, 29 और 30 को 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कुमारकॉन पे जो हमारे बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड है उस पर होने जा रहा है। बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस हुए हैं इस समय टेक्नोलॉजी के थ्रू, बहुत सारी स्टडीज़ के थ्रू, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम कैसे चिकित्सा में अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं इस पर 3 दिन का मंथन होने जा रहा है। शहर के अपने देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। 12 देश के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी। 8 MOUs हम साइन करने जा रहे हैं इसमें इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ। कुछ 11 MOUs हम नेशनल के लेवल पे करने जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा मिल सके। हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि PG वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है सेमिनार, उनके द्वारा पेपर पढ़े जाते हैं, तो करीब करीब 425 लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं जिसमें कि 395 पेपर पढ़े जाने वाले हैं, 25 के करीब वो पोस्टर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। हमारे पास करीब करीब 70 लोग आ रहे हैं जो कीनोट स्पीकर रिसोर्स पर्सन के रूप में बोलने वाले हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं और पूरे देश से लगभग है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी जगह से लोग आ रहे हैं। तो 3 दिन का ये प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा ऐसी हम आशा करते हैं और हमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए हम सभी लोग, कुछ भी हो जाए बच्चों के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, अपने घर खेत बेच देते हैं, घर बेच देते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जनरेशन जो है अच्छे से अच्छे आयुर्वेद का अगर सिस्टम से पालन करके चले, हम इंडियन कल्चर का पालन करके चले, ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए चले, तो हमें लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है हमें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको फोकस लेते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम इस माननीय राज्यपाल महोदय जो हमारे चांसलर भी हैं उनके हाथों होने वाला है। इसी प्रोग्राम में हमारे पास हरिशंकर शर्मा जी जापान से, जो 95 ईयर ओल्ड है और या संयोग से उनकी जोधपुर जन्मभूमि क्या कर्मभूमि भी नहीं है, वो भी आ रहे हैं अपने उसके साथ। साथ ही साथ एक हमारे होम्योपैथिक हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन राज्यपाल महोदय के द्वारा होगा। इस प्रोग्राम में हमारे राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत और हमारे विधायक जोगाराम पटेल जी उपस्थित रहने की संभावना है पूरी।